हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा ब्यूटी हब। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ फ्रंट बोथ साइड लेजर कट कैसे करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि फ्रंट कटिंग दिखाइए, तो ये है फ्रंट कटिंग। बहुत ही इजी वे में फ्रंट कटिंग मैं दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको दो पार्टिंग में आपके हेयर को कर लेना है इस तरह से, और आपको अच्छे से टैंगल फ्री कर लेना है, और फ्रंट के दोनों तरफ से हेयर लेना है जिस तरह से मैं ली हूँ। इस तरह से हेयर लेके आपको एकदम स्ट्रेट कट नहीं करना है, और इनके ये हमेशा टू पार्टिंग करके ही रखती है और इनका वैसा ही हेयर हो चुका है। तो यहाँ पर इस तरह से मैं इसे एकदम स्ट्रेट नहीं काटूंगी, यहाँ पर हम ए शेप में काटेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। तो ऐसे ए शेप में काटने से आपका लेजर बहुत ही सुंदर बैठता है, ऐसा नहीं लगता है कि मशीन चल गया है। तो बस अब वो हमारा बेस मिल गया है, और लेजर का होता है छोटे से फिर वो बड़ा होता चला जाता है जितना लेंथ में आप आगे बढ़ोगे। तो ये है यहाँ पर इनका हेयर मैं ले रही हूँ, और इनका हेयर स्ट्रेट किया हुआ है। सो यहाँ पर अच्छे से कटिंग करना है, और देखिए ये हमारा बेस है, उसी से बस हम लोग नीचे की तरफ बढ़ते हुए कटिंग करते जाएंगे। आपको रुकना नहीं है, वरना फिर कटिंग भी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो आपको कंटिन्यू अपने दोनों हाथों को चलाना है, एक से नीचे आना है और एक से आपको कैंची चलानी है। और पहले आपको क्लाइंट से पूछ लेनी है कि फ्रंट के हेयर को कितना करना है, क्योंकि बहुत लोगों का बहुत कम हेयर होता है, तो हम लोग फ्रंट में ज़्यादा नहीं लेते हैं ताकि बैक में बहुत पतला ना लगे। सो यहाँ पर हो गया है कटिंग, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया है, अब मैं उस साइड चलती हूँ, उस साइड की कटिंग भी ठीक उसी तरह से होगी। आपको एक बार में इतना हेयर नहीं आएगा आपके हाथ में, तो आपको क्या करना है, थोड़े थोड़े हेयर को लेके करना है। और यहाँ पर मैंने हाफ हेयर को ले लिया है, और इस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ। बस इसी तरीके से अब आपको फिर से नीचे की तरफ बढ़ते जाना है लेंथ की तरफ, और ऐसे ही नेक्स्ट हेयर को भी करेंगे। तो अच्छे से कॉम करने के बाद फिर से यहाँ पर मैं सेम प्रोसेस कर रही हूँ। होप आप लोगों को ये समझ में आ रही होगी। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हो गया है, और थोड़ी सी इस साइड की लंबी थी तो मैं फिर से कट कर रही हूँ बराबर करने के लिए, और अब बराबर है। तो यही था आज का वीडियो, होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। और आपको अच्छे से सेटिंग कर लेनी है, वरना फिर अच्छी नहीं लगेगी। और सेटिंग मैं नीचे से ऊपर की तरफ कर रही हूँ, लेकिन आप लोग बिगिनर्स हो तो आप लोग ऊपर से नीचे की तरफ ही करना जैसे मैंने कटिंग दिखाया है, क्योंकि मैं तो अच्छे से कर ले रही हूँ, आप लोगों को दिक्कत होगी स्टार्टिंग में, लेकिन फिर करते करते जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप लोग भी आराम से कर लोगे। तो यहाँ पर हो गया है कंप्लीट, और यहाँ पर मैं एक बार दिखा दे रही हूँ कि कैसा। हालांकि इनके ज़्यादा बाउंसी हेयर नहीं है, इसलिए ज़्यादा मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन जो भी दिखा सकती हूँ मैं आपको दिखा दे रही हूँ। आपको क्लाइंट को सेट करके दिखा देना है, वरना सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, इसलिए आपको सेटिंग करके दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया है कटिंग कंप्लीट। और ये फ्रंट से फिर से दिखा रही हूँ मैं, और आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, हमेशा याद रखिएगा ऊपर से छोटे और नीचे से बड़े। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।